नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेड ईजी पे। आज मैं आपके साथ रखने वाला एक जबरदस्त स्ट्रेटजी जिसका नाम है RSI। RSI के बेसिस पे आप मार्केट में, लाइव मार्केट में निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, क्रूड ऑयल को या किसी भी स्टॉक को रियल लेवल पे, रियल लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन वो स्ट्रेटजी काम करता है। आज मैं आपके सामने जो RSI की स्ट्रेटजी बताऊंगा गाइज, इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड जो होगा, आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, क्रूड ऑयल में भी, नेचुरल गैस में भी आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में और कुछ स्टॉक में भी दिखाऊंगा किस तरीके से वो ट्रेड को आप किस वक्त आप ट्रेड कर सकते थे और किस तरीके से चला है वो भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रूड ऑयल में इस लेवल पे ट्रेड, कल का लेवल है लाइव मार्केट में, YouTube पे मैं आपको RSI के लेवल पे ट्रेड करवाया था, बेहतरीन चला था, पैसे डबल हुए थे। उसके बाद मैं बता दूं, परसों गाइस RSI की यही वाला लेवल पे ट्रेड कराया था और यहां पर आप देख सकते हो RSI के इस लेवल से लगभग 4% का फॉल को आप कैप्चर करते, वहां पर पैसा 4 गुना हुआ था। 429 का प्रीमियम था गाइस, लगभग 130 के आसपास इसने हाई लगाया था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना, मार्केट में एक फॉल आता है, यहाँ पर मार्केट में एक पैटर्न बना, एक जबरदस्त फॉल आती है। ये सारे फॉल को या इस तरीके से मार्केट जो ऊपर जाता है उसको हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल में कुछ इस तरह से बनता है और उसके बाद आप किस तरीके से इसको कैप्चर कर सकते थे, एक बड़ी रैली को कैप्चर कर सकते थे, ये सारे लेवल आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए मैं स्ट्रेटजी को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पूरा टाइम नहीं देख सकते हो गाइस तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो और रियल मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, मजाक नहीं करना चाहते हो, तो आप जरूर ये वीडियो को देखें, आपको बहुत पैसा बना कर ये दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि RSI में आपको क्या करना होता है और RSI क्या होती है, किस तरह की इंडिकेटर होता है, तो मैं उसके लेवल पे आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करिए, सारा काम धंधा छोड़कर इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत काम की चीज है। जो मैं आपको RSI बताने वाला हूं, यह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसमें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के गाइस मैं आपको इंडिकेटर में सारा कुछ दिखाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में एक लाइन होती है जो कि 50 का होता है, इसके ऊपर में जब आप जाएंगे तो एक 70 का होता है लाइन और एक होता है आपके पास 30 का लाइन गाइस। इस तरीके से आपका लेवल्स होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट अगर 70 के ऊपर में चल रहा है, RSI अगर 70 के ऊपर में चल रहा है तो हम इसे बोलते हैं ओवर बॉट जोन, दिस इज कॉल्ड ओवर बॉट, मतलब कि बहुत ज्यादा खरीदा गया है, अब ये नीचे जा सकता है लेकिन तुरंत नहीं नीचे जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है इसको हम लोग ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं और इसके बाद मार्केट कहीं पर भी रिवर्सल दे सकता है। RSI 50 का लेवल होता है, अगर RSI 50 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम हम मान करके चल सकते हैं और उस तरीके से हम लोग बाय या सेल करते हैं। RSI में कुछ एक जो लाइन होता है गाइस, कुछ इस तरीके से लाइन रहेगा, कुछ इस तरीके से लाइन, जो ट्रेड का स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरीके से कुछ आपको RSI चल रहा होगा। RSI में ना आपको जो बताने वाला हूं वो है RSI का डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। RSI का डाइवर्जेंस और एक होगा RSI का कन्वर्जेंस का स्ट्रेटजी। RSI कन्वर्जेंस, जहां पर हमें RSI डाइवर्जेंस दिखेगा, RSI का डाइवर्जेंस दिखेगा गाइस, यहां पर हम सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, सेल का अपॉर्चुनिटी हम यहां पर ढूंढने का कोशिश करते हैं और जहां पर RSI का कन्वर्जेंस आपको दिखेगा यहां पर हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर बाई की अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया खरीदने के बारे में सोचेंगे, जहां पर कन्वर्जेंस दिखेगा RSI का वहां पर खरीदने के बारे में सोचेंगे, मतलब कॉल बाई कर सकते हैं या कोई स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जहां पर RSI का डाइवर्जेंस दिखेगा वहां पर सेल करने के बारे में सोचेंगे, यहां बाई करने के बारे में सोचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे RSI डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं, तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि स्टॉक चल रहा है और स्टॉक गाइज कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है और स्टॉक ने, यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया है, एक नया हाई लगा है, इसके ऊपर एक नया हाई लगा, ये इस तरीके से फॉर्मेशन किया है, ये प्राइस चल रहा है, आपका प्राइस जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा ना, ये वाले लेवल के बाद यहां से
आप देखेंगे, वन सेकेंड गाइस, अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा आरएसआई, वो किस तरीके से होना चाहिए वो आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से है, आरएसआई भी ऐसा जाएगा, यहाँ पर एक हाई लगेगा और यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट आपका बनता हुआ दिखेगा। तो आप देखेंगे कि जब आरएसआई का एक नया हाई, ये प्राइस का हायर का हाई फॉर्मेशन हुआ है, आपने आरएसआई में क्या देखा, एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता दिखेगा इस जगह पर, और यहां पर अगर आप देखोगे गाइस तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई में देखोगे मोमेंटम नीचे जा रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है। इस वक्त जब ट्रेड करना हुआ तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ट्रेंड को ब्रेक करेगा हम यहाँ पर एंट्री मारेंगे, शॉर्ट सेल की तरफ शॉर्टिंग करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट हमारा बनेगा। ये होता है डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होगा, प्राइस ऐसा चलेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर आरएसआई रहेगा, ये जो है एरिया कुछ इस तरीके से आप देखेंगे डाइवर्ज होता चला जाएगा, यहाँ पर प्राइस जो है फॉल करने की अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। बाय करने की जो अपॉर्चुनिटी होगा वो किस तरीके से होगा मैं बताऊं, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, आप देखोगे कि मार्केट ने प्राइस जो है एक लो यहां लगाया, एक नया लो यहां लगाया, लेकिन आरएसआई क्या करेगा एट द सेम टाइम, आरएसआई क्या होगा गाइस, इस तरह से चलते चलते यहां पर आप देखोगे कि एक यहां पर हाई कुछ ये लगा, यहां पर जाके हाई कुछ इस तरह लगेगा। तो आरएसआई में आप देखोगे इस जगह पर एक नया हाई है और इस प्राइस पे नया हाई लगा है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो है गाइस यहां पर एक लो लगता है एल वन, ये लो दूसरा एल टू लगा, और L2 आप देखोगे तो और लो नीचे है L1 की तुलना में। लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI को देखोगे तो RSI यहाँ से क्या, एक हाई से एक हाई यहाँ लगा H1 और ये हाई लगा H2 नया, H2 यहाँ पर ग्रेटर होगा H1 से। इस कंडीशन में जैसे ही प्राइस गाइस इस लेवल को ब्रेक करेगा वहां पर हम बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। किस तरीके से होता है ये, प्राइस ऐसा चलेगा, RSI इस तरह से चलेगा, एरिया कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा, कन्वर्जेंस पे हम बाई करने के बारे में सोचेंगे। जब भी इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको एक अच्छा लेवल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के साथ कि क्रूड ऑयल में किस तरीके से ये जो पैटर्न है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करने के बाद दोबारा से आप देखना, कंप्लीट वीडियो को देखना मेरे दोस्त, अगर पैसा रियल में बनाना है तो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर किस तरीके से वो सारे लेवल्स बने थे और प्राइस हमारा एक अच्छा मूव किया था। आरएसआई की सेटिंग वगैरह कैसे लगाते हैं सारा कुछ मैं आपको लगाकर दिखाता हूं। आपको करना क्या है, इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद यहां पर आपको आरएसआई लिखना है गाइस। आरएसआई टाइप करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि फेवरेट इंडिकेटर मैंने ऐड किया हुआ है। आरएसआई आप इस तरीके से लगाएंगे, आरएसआई स्पेन में आ जाएगा, आप इसका थोड़ा सा सेटिंग चेंज करिए। यहाँ पर आप देख रहे हो सेटिंग दिख रहा है, ये सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद गाइस सबसे पहले आरएसआई है, यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा डीप में रखूंगा रेड, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। उसके बाद ये आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज, इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 70 का लेवल है, मैं थोड़ा लाइन को डार्क कर देता हूँ, आप चाहे तो दोबारा वीडियो को फास्ट देख लीजिएगा बैक करके, या 1.5 पे अगर आप देख सकते हैं अगर आपको पहले से आता है तो। उसके बाद आप इसको यहाँ पर देखें किस तरीके से कर रहे हैं, 30 के लेवल को थोड़ा और डार्क कर दिया मैंने, अलग अलग कलर है। 50 को मैं थोड़ा सा गाइस कोई और कलर ले लेता हूँ, 50 के लिए मैं 50 के लिए रेड कलर को ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डीप कर दिए, राइट। इस तरह से हमारा सेटिंग हो गया गाइस। अब मैं दिखाता हूँ कि मार्केट ने जो आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस दिखाया उसके हिसाब से किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता था। मैं यहाँ पर 50 को फिलहाल हटा देता हूँ, 50 का मुझे यूज नहीं है, 50 को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे आरएसआई का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लेवल पे गाइस तो मार्केट में प्राइस क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है, छोटा छोटा हाई बनता हुआ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो मार्केट ने क्या किया है, लो लगाया, एक यहाँ पर हाई लगा हुआ है मार्केट ने, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नया हाई लगा बनता हुआ दिखा है, उसके बाद नेक्स्ट हाई जो है कुछ यहाँ पर बनता है, तो एक नया हाई यानी आप बोल सकते हैं सेम लेवल पे है। लेकिन आरएसआई में क्या हुआ, मोमेंटम शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है डाउन साइड में। इस वक्त ट्रेड अगर करना हुआ तो आप क्या करेंगे, ट्रेड करने के लिए जैसे ही ट्रेंड का ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, डबल कंफर्मेशन होता है गाइस, ट्रेंड का ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करके ये रेड कैंडल बनाता है।
इस रेड कैंडल पे आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हो 2:1 का रिस्क रिवार्ड अगर आप लगाते हैं शॉर्टिंग करने के लिए, यहां पर आपकी एंट्री होती है। इस कैंडल के हाई पे आपने इसे लगाया 2:1 का रिस्क रिवार्ड अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, आप देखें 2:13 का रिस्क रिवार्ड आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी दिया है। चलिए मैं दोबारा दिखाता हूं गाइस, जो मैंने बताया था 4 times 4 गुना प्रॉफिट बना के दिया था वो कौन सा लेवल पे था। यहां पर आप देखो मार्केट ने क्या किया, एक हाई के बाद नया हाई लगता हुआ दिखा है, एक नया हाई लगता हुआ दिखा है। मार्केट का ये हाई है जो कि लगभग 6,039 का, नेक्स्ट हाई जो लगता है 6,053 का लगता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई का एक नया लो लगाया गया, आरएसआई इस जगह पे जब था एक नया हाई था लेकिन नीचे आने के बाद ये लो लगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा हम इसको ट्रेड करेंगे। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इस तरह से ट्रेंड लाइन गया था, यहां पर इसने ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद इस ग्रीन कैंडल के साथ देखें यहां रिटेस्ट मारता है और क्या जबरदस्त फॉल आपको देखने को मिल सकता है गाइस। 4 गुना प्रॉफिट आया था यहाँ पे, मार्क माय वर्ड लाइव मार्केट में मैंने लोगों को करवाया था, 29 वाला 130 का प्रीमियम हुआ था 5,700 के पुट में। अब जाकर ध्यान से देख सकते 260 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है इस आरएसआई के डाइवर्जेंस के लेवल पे। मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, शिफ्ट करता है तो एक अच्छा डाइवर्जेंस मिलता है। और आपको एग्जांपल दिखा दूं, यहां पर आप देखिए प्राइस एक नया हाई के बाद नया हाई लगाता है लेकिन यहां पर लो लगता है, मार्केट उसके बाद देखिए किस तरीके से जबरदस्त यहां पर फॉल करता है, लगभग 123 पॉइंट्स आपको फॉल करता दिखेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको रेगुलर डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। यहां पर प्राइस ठीक है, सेम लेवल पे है, ऊपर अगर वो जा रहा है प्राइस तो यहां पर आरएसआई भी ऊपर जा रहा है और यहां पर अच्छा है प्राइस ऊपर गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से और हमें बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मार्केट में कहां कहां पर हम बाई करने के बारे में सोच सकते हैं वो भी दिखा दूं। यहां पर अगर आप देखोगे गाइस तो एक बाई की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है। मार्केट में देखिए लगभग प्राइस आपका सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे प्राइस दिख रहा है लेकिन यहां पर आरएसआई में आप देखोगे तो कन्वर्जेंस बनता हुआ दिखेगा। सेम लेवल पे आप देखो आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। जैसे ही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा ऊपर में बाई करेंगे। यहां पर देखिए ये वाले लेवल पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती। उसके बाद आप देखो क्रूड ऑयल में एक अच्छी रैली आई थी गाइस, यहां पर लगभग 195 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे क्रूड ऑयल में। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर क्रूड ऑयल के अलावा निफ्टी को दिखाता हूं। निफ्टी में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, कहां कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, मैं आपको दिखाने की आप कोशिश करता हूं निफ्टी में। मैं थोड़ा चार्ट को रीसेट करता हूं गाइस यहां पर। ऑल राइट, चलिए ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है गाइस। यहां पर आप देखें एक लो यहां बनता है, एक हाई बना, नया लो बनता है यहां पर, तो लोअर लो का फॉर्मेशन करता दिखा है। बट वहीं पर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई में क्या हुआ, एक हाईर हाई का फॉर्मेशन किया, यानी यहां पर क्या हुआ मार्केट ने, मार्केट कन्वर्ज करना चाह रहा बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। देखिए प्राइस यहां पर है उसके बाद एक नया लो लगता है लेकिन यहां पर आरएसआई एक हाई के बाद नया हाई लगाते, यानी मोमेंटम ऊपर शिफ्ट हो रहा है। क्या होता है जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है गाइस मार्केट में एक जबरदस्त रैली आती है निफ्टी में, आप देख सकते हो। सेल की अपॉर्चुनिटी यहां पर आप देख सकते हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, हर तरह का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहां पर देखिए गाइस मार्केट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहा है लेकिन आरएसआई का मोमेंटम क्या है ऊपर में आपको दिखा है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा गाइस हम ट्रेड करने के बारे में सोचते प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और ये वाला पॉइंट जो है आप अच्छा से लगभग 75 पॉइंट यहां पर ग्रैब कर सकते थे। उसके बाद अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं निफ्टी में तो वो भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से मिल रहा है। प्राइस देखिएगा ऊपर में चल रहा है, यहां पर देखिए निफ्टी में एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनाता हुआ दिखा है। प्राइस क्या किया है, एक हाई के बाद एक नया हाई लगा रहा है लेकिन प्राइस के बाद मोमेंटम क्या, और आरएसआई में आरएसआई नीचे शिफ्ट हो रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आ गई है, प्राइस देखिए ऊपर में चल रहा है, आरएसआई नीचे शिफ्ट कर रहा है। जैसे ही ट्रेंड को ब्रेक करेगा गाइस एक अच्छा मूव आता है और निफ्टी में आप देखें एक अच्छा मोमेंटम, लगभग आप यहां पर 140 पॉइंट ग्रैब कर सकते थे, एक जबरदस्त फॉल आता है क्योंकि आरएसआई नीचे है, प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, प्राइस ऊपर रिटेल ट्रेडर बढ़ा रहे हैं लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है क्योंकि एफआईआई और डीआईआई का जो संकेत है वो कहीं ना कहीं प्राइस को नीचे लाने का है और वो मार्केट को गाइस फॉल करवा देते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी को आप देख सकते हो। यहां पर मैं आपके एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे टीसीएस का करंट लेवल पे मैं आपको दिखाऊं आरएसआई को किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। ये आरएसआई की स्ट्रेटजी मैं आपको टीसीएस में बताता हूं गाइस। आप साफ साफ यहां पर देखो मार्केट ने क्या किया है, एक हाई के बाद एक नया हाई लगाता है लेकिन एट द सेम टाइम आरएसआई को अगर आप देखोगे तो आरएसआई कुछ इस तरह डाउन होता दिखा है, प्राइस ऊपर जा रहा है आरएसआई नीचे जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्ज होने वाला है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का या कोई एक सिस्टम का ब्रेकडाउन देगा गाइस
यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे जैसे ही आता है मार्केट, अपने सपोर्ट के नीचे जैसे ही आता है मार्केट, एक बेहतरीन फॉल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लगभग आप देखें तो 2% का फॉल बेहतरीन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये होता है आरएसआई का, जो अभी आपको दिखाया है ये है आरएसआई का डाइवर्जेंस। आपको ऊपर जाता हुआ दिखा आरएसआई का कन्वर्जेंस, नीचे आएगा आरएसआई का डाइवर्जेंस। इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी पे गाइस आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हो, ट्रेंड लाइन का, टूल का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। अगर आरएसआई में आपने डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस को फाइंड कर लिया है तो आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएगी, आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आपको मैं बता दूं गाइस, ये आपको मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि आपको कह सकते हैं कि इंडिकेशन दिया है और आपको एक झलकी दिखाया है कि पूरा मार्केट में कितना टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन बेहतरीन होते हैं। अगर आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, A to Z, बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन मास्टरी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा नया टेक्निकल एनालिसिस का बैच, 7वां टेक्निकल एनालिसिस का बैच, 6 बैच ऑलरेडी निकाल चुका हूं। 7वां बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूं। आप डायरेक्टली आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे नया टेक्निकल एनालिसिस बैच का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर जीरो से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिसे आप मार्केट में रियल एग्जीक्यूटेबल और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो मार्केट में काम करता है गाइस। अगर आप सीख कर मार्केट में खुद के बल पे इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, इतना मैंने मेहनत किया गाइस इस वीडियो का, बस एक लाइक करके और एक कमेंट करके मोटिवेट जरूर करिएगा। वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले गाइस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए मैं यहीं पर रहता हूं, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।